हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाएंगे बैगन की उन्नत खेती, ब्रिंजल फार्मिंग। जब भी हम बैगन की खेती करते हैं तो विल्ट की समस्या आती है, फल भेदक की समस्या आती है और छोटी पत्ती रोग यानी लिटिल लीफ की समस्या आती है। और भी यदि हम बैगन खेती करें तो कौन सी वैरायटी का चुनाव करें, कौन सी वैरायटी ज़्यादा अच्छा उत्पादन देगी, क्योंकि बैगन की खेती 12 महीने की जाती है। तो सही समय के बारे में बात करेंगे, उन्नतशील किस्मों के बारे में बात करेंगे, ज़्यादा पैदावार निकालने के लिए उर्वरक खाद की संतुलित मात्रा, यदि डिजीज़ फंगस इंसेक्ट का प्रकोप होता है तो कैसे हम कीटनाशक का स्प्रे करके बेहतरीन रिजल्ट निकाल सकते हैं, कीटों को कंट्रोल कर सकते हैं, बैगन की खेती जब कर रहे हैं कितनी लागत आएगी, लाभ मुनाफा नेट प्रॉफिट के साथ साथ लाइफ साइकिल के ऊपर दोस्तों बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से बैगन की वैज्ञानिक खेती कैसे की जाती है डिटेल में संपूर्ण जानकारी शेयर करने वाले हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। इसमें कुछ अलग और न्यू जानकारी आपको मिलने वाली है बैगन की खेती पर। सबसे पहले अनुकूल समय यानी टाइमिंग के ऊपर बात करें तो हर एक फसल के लिए एक निश्चित टाइमिंग होता है। तो अनुकूल समय सूटेबल टाइम के ऊपर बात करें तो बरसात में जून और जुलाई पर पौधरोपण कर सकते हैं, गर्मियों में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य आप पौधरोपण कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप पौधरोपण कर रहे हैं, यदि घर पर नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो 25 दिन पहले नर्सरी तैयार करनी पड़ेगी ट्रांसप्लांट से पहले, या फिर ट्रस्टेबल नर्सरी से भी आप पौधे खरीद सकते हैं। जलवायु और टेम्परेचर के ऊपर बात करें तो ठंडे नम आद्र जलवायु की यह क्रॉप है और न्यूनतम टेम्परेचर 12 से 15 और अधिकतम 35 से 40 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर रहता है तो बैगन एक प्रकार से ग्रो हो जाता है, कोई समस्या नहीं आती है। भूमि और खेत की तैयारी, वैसे तो बैगन की खेती सभी प्रकार की भूमि पर की जाती है, लेकिन काली दोमट, बलुई दोमट और चिकनी दोमट भूमि पर काफ़ी अच्छा उत्पादन देखने के लिए मिलता है। उत्तम जल निकास का प्रबंध होना चाहिए और मृदा की पीएच वैल्यू 5 से 7.5 तक दोस्तों चल जाती है। खेत की तैयारी में 102 बार कल्टीवेटर चलाना, कुछ इस प्रकार, उसके बाद रोटावेटर से मिट्टी को भुरभुरी कराना है। उत्तम जल निकास का प्रबंध होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बरसात के दिनों पर यदि पानी गिर जाता है तो जल भराव नहीं होना चाहिए, इन बातों का आपको ख्याल रखना है। उन्नतशील किस्मों के ऊपर बात करें तो बैगन की अलग अलग किस्में हैं, अलग अलग राज्यों के हिसाब से अलग अलग पसंद की जाती है। सफ़ेद रंग के जो बैगन होते हैं VNR की उत्कल के नाम से आती है, ब्लैक रंग के जो बैगन होते हैं कलस जनक F1, थोड़ा सा बैगन का साइज थोड़ा बड़ा आता है। इसके अलावा सन ग्रो की प्रगति के नाम से आती है, जो कि भरमा के भट्टे छोटे भट्टे स्मॉल साइज होता है, तो प्रगति को भी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा जो कि आप फोटो पर देख रहे हैं यह किस्में भी काफ़ी अच्छी हैं। प्रति एकड़ सीड्स 80 ग्राम से 100 ग्राम प्रति एकड़ की दर से सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। प्रति एकड़ पौधा 7000 से 8000 पौधे लगेंगे यदि आप सिंगल लान पर पौधरोपण करते हैं तो। बेड तैयार के ऊपर बात करें तो बेड विधि से ही हमको खेती करनी चाहिए बैगन की। बेड की चौड़ाई 3 फीट, बेड से बेड की दूरी 2.5 फीट और बेड की ऊंचाई 1 फीट रखनी चाहिए। ड्रिप एरिगेशन 16 mm इनलाइन लगा सकते हैं। मल्चिंग पेपर 25 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर लगाने से खरपतवार नहीं उगते हैं और काफ़ी अच्छी सर्विस देखने के लिए मिलती है। कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, जड़ों का अधिक विकास होता है, फसल एकदम व्यवस्थित रहती है मल्चिंग पेपर लगाने से। बेसल डोज के ऊपर बात करें तो जब आप वेट तैयार कर रहे हो उस समय SSP सिंगल सुपर फास्फेट पाउडर फॉर्म वाली 50 किलोग्राम, DAP डाई अमोनियम फास्फेट 50 किलोग्राम, गोबर की खाद 2 ट्रॉली, इन सभी को मिक्स करना है। बेड मेकर या फिर बेड ड्रायर से जब आप बेड तैयार करा रहे हो उस समय प्रयोग करना चाहिए प्रति एकड़ की दर से। मल्चिंग पेपर में 2 इंची होल्स कर सकते हैं कुछ इस प्रकार, जो कि वीडियोस पर आप देख रहे हैं। सिंगल लान पर आपको मल्चिंग पेपर में 2 इंची होल्स करना चाहिए गरम कोयले को भरकर ड्रिप को बचाते हुए। पौधरोपण के ऊपर बात करते हैं तो 1 फीट की आपको दूरी पर रोपाई करनी चाहिए और 1 वेट पर सिंगल लान पर पौधरोपण कर सकते हैं। यह इसका डिस्टेंस यानी पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट और 1 वेट पर सिंगल लान की पौधरोपण करना चाहिए, बाकी आप सिंगल लान और
डबल लाइन जिगजैग पौधरोपण कर सकते हैं, बाकी सिंगल लाइन पर ही आपको पौधरोपण करना चाहिए। सिंचाई के ऊपर बात करते हैं तो ड्रिप्स हैं 2 दिनों के अंतराल पर और फ्लड एरीगेशन से हैं 12 से 15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए, लेकिन गर्मियों के दिनों पर 4 से 5 दिनों के अंतराल पर बैगन पर सिंचाई करनी चाहिए। खरपतवार रोकथाम की ऊपर बात करें तो खरपतवार नाशक स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली निराई गुड़ाई कराते रहें 15 से 20 दिनों के अंतराल पर। जितनी ज़्यादा आप साफ सफाई रखेंगे रस चूसक कीटों का प्रकोप बहुत ही कम देखने के लिए मिलेगा। इन बातों को ध्यान रखें, निराई गुड़ाई करें, खरपतवार मुक्त फसल रखें, इससे सकिंग पेस्ट का जो बढ़ावा है वो कंट्रोल हो जाएगा। प्लस खेत के चारों साइड और बीच बीच में गेंदे की लाइन को आप जरूर लगा लीजिए, और पीला ट्रैप, नीला ट्रैप, स्टिकी जो ट्रैप आते हैं, 1 एकड़ में ब्लू और येलो ट्रैप आपको लगाना चाहिए। कम से कम 20 फीस लगाने से सकिंग पेस्ट पर काफ़ी अच्छा कंट्रोल मिलता है। स्प्रे शेड्यूल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, हमने आपको बताया कि स्टिकी ट्रैप लगाने से कीटों का वैसे भी कंट्रोल कम हो जाता है, प्रकोप कम हो जाता है, और आपको स्टार्टिंग में नीम ऑयल का ही स्प्रे करना चाहिए। तो आइए बात करते हैं कीट प्रबंधन के ऊपर कि कौन कौन से कीटों का प्रकोप हो सकता है। प्रमुख रूप से सफ़ेद मक्खी, फल छेदक, तना छेदक, नेमेटोड्स, छोटी पत्ती रोग, बैक्टीरियल बिल्ट, झुलसा, पाउडरी मिल्ड्यू जैसी समस्याएं देखने के लिए मिल सकती हैं, और फल फूल ड्रॉप तो काफ़ी रेयर गंभीर समस्या है, तो समस्याएँ कई आती हैं, इनका इलाज समझिए। फल छेदक का यदि प्रकोप है तो बायर कंपनी की आपको वाइगो इंसेक्टिसाइड आपको 10 ml लेना है, और एमएमएक्टिन वेंजोइड 5% SG 8 ग्राम लेना है, 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करना चाहिए। लेकिन फल छेदक का प्रकोप बढ़ चुका है तो ऐसी कंडीशन पर सुमिटोमो की सुमी प्रेम पथ के नाम से आती है 30 ml, और बायर कंपनी की मोमेंटो एनर्जी 30 ml 15 लीटर पानी में दोनों को घोल करके स्प्रे करना चाहिए। सूखने की समस्या आ रही है तो ट्राइकोडर्मा 500 ग्राम, गन्ने का गुड़ आपको लगभग 3 किलोग्राम 200 लीटर पानी में घोलना है, 6-7 दिन तक रखना है, उसके बाद 1 एकड़ में 200 लीटर घोल को आपको प्रयोग करना चाहिए। इससे होता क्या है कि जो समस्याएं आती हैं, जो विल्ट की सूखने की समस्या आती है, उसमें काफ़ी हद तक कंट्रोल मिलता है। 1 महीने में 1 बार ट्राइकोडर्मा को आपको चलाना चाहिए सोयल एप्लीकेशन से, इसके साथ कोई भी कीटनाशक, इंसेक्टिसाइड, खरपतवार नाशक या फिर हर्बिसाइड का मिक्स करके प्रयोग नहीं करना चाहिए। ट्राइकोडर्मा को सिंगल ही गुड़ के साथ मिक्स करके प्रयोग करते हैं तो अच्छा लाभ पहुंचेगा। इसके अलावा फंगस की समस्या देखने के लिए मिल रही, कोई भी फंगस है तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% जो आता है 40 से 50 किलोग्राम 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करना चाहिए। यदि नेमेटोड्स की समस्या आती है तो इसके लिए बायर कंपनी की बेलम प्राइम को आप सोयल एप्लीकेशन से चला सकते हैं, जो कि डोज आप वीडियो पर देख रहे हैं। यदि दोस्तों तना छेदक के ऊपर बात करें तो कारोफ्यूरन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, डाउ एग्रोसांस की डेलीगेट का इस्तेमाल कर सकते हैं स्प्रे के रूप में, बायर कंपनी की फेम या फिर कूराजन या एम्पलीगो का दोस्तों आप स्प्रे कर सकते हैं। यदि तना छेदक का प्रकोप बढ़ता है, बायर कंपनी की फेनोस कोई भी काफ़ी अच्छा काम करेगी। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं खाद शेड्यूल, तो यदि आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं, क्योंकि जब तक पौधा ज़्यादा ग्रीननेस देखने के लिए नहीं मिलेगी, हरा भरा नहीं रहेगा और प्रॉपर वनस्पतिक बढ़वार नहीं होगी, तब तक हमको जो रिजल्ट हैं कमज़ोर देखने के लिए मिलेंगे। तो न्यूट्रिएंट की यदि डिफिशेंसी होती है तो जाहिर सी बात है आपकी उपज में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने के लिए मिलने वाली है। तो ऐसी कंडीशन पर आपको एक काम करना है, यदि आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो जो फर्स्ट खाद है 30 से लेकर 40 दिन के आसपास का पौधा होता है, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स 5 किलोग्राम, यूरिया और उर्वरक खाद 20 किलोग्राम लेना है। इन दोनों को मिक्स करना ठीक तरीके से, जड़ों से 3 से 4 इंच दूर दे करके आपको सिंचाई करना चाहिए। इसके अलावा यदि बात करें सेकंड खाद, तो 60 से 80 दिन के आसपास की फसल होती है, तो कैल्शियम नाइट्रेट और सागरिका को इन दोनों को मिक्स करके जड़ों के पास देकर सिंचाई करनी चाहिए। इसके अलावा फल की अवस्था पर मैग्नीशियम सल्फेट, बायोजाइम और यूरिया, इन सभी को मिक्स करके जड़ों के पास देना चाहिए, और बीच बीच में यूरिया और उर्वरक खाद है, कैल्शियम नाइट्रेट है, जिंक सल्फेट है, 0050 है, माइक्रो न्यूट्रिएंट, ह्यूमिक एसिड,
इनका भी प्रयोग करने से बेहतरीन लाभ देखने के लिए मिलता है। प्रथम तुलाई के ऊपर बात करते हैं, यानी फर्स्ट हार्वेस्टिंग। तो 55 दिन के आसपास की फसल होती है तो हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती, फल फूल आ जाते हैं और हार्वेस्टिंग भी शुरू हो जाती है 55 दिन के आसपास। लाइफ साइकिल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, तो 6 से 7 महीने के आसपास लाइफ साइकिल मानी जाती है बैगन की। वैसे तो आप साल भर चला सकते हैं, लेकिन 6-7 महीने काफ़ी अच्छे तरीके से फल देखने के लिए मिलते हैं यदि आप वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं। बाजार भाव फ्लेक्सिबल रहता है, 10 रुपये से लेके 25 रुपये के मध्य हमारे किसान भाइयों को रेट देखने के लिए मिलता है, और हो सकता है 10 से भी कम का मिले। लागत के ऊपर बात करते हैं, तो 1 एकड़ में यदि आप वैज्ञानिक तरीके से खेती कर रहे हैं तो 35 से 40 हज़ार रुपये के आसपास कम से कम लागत लगने वाली है। उत्पादन के ऊपर बात करते हैं, 60 से लेकर 80 टन के आसपास दोस्तों 1 एकड़ में पैदावार हो जाती है बड़े आराम से। मुनाफा के ऊपर बात करते हैं, 8 रुपये के जी का ही रेट मिल जाता है, यानी 800 रुपये क्विंटल, और 800 क्विंटल ही पैदावार मान लेते हैं तो 6,40,000 रुपये के आसपास हमारा मुनाफा आ गया। इसमें से लागत बता देंगे, लागत लगी हमारी 40,000 रुपये के आसपास। 1 एकड़ से जो हमारा नेट प्रॉफिट है, शुद्ध लाभ है, वो 6,00,000 रुपये के आसपास आ गया। अब पैदावार भी घटती है, 8 से भी कम का रेट मिलता है और उतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, तो ये मान लीजिए कम से कम 4 से 5 लाख रुपये आप बड़े आराम से 1 एकड़ से कमाई कर सकते हैं। दोस्तों हमने स्टार्टिंग पर आपको बताया था कि छोटी पत्ती रोग जो बैगन की फसल पर एक बांझपन आता है, तो इसकी रोकथाम कैसे आप कर सकते हैं। यह एक वायरस है, इसको फैलने से आप बचा सकते हैं। इसको फैलाने का काम सकिंग पेस्ट, एफिड, जैसिड, माइट्स, वाइट फ्लाई ही काम करती हैं। तो वाइट फ्लाई हो गई, माइट्स हो गई, यह काफ़ी ज़्यादा लिटिल लीफ यानी बांझपन छोटी पत्ती रोग को फैलाती है। तो इसके लिए सकिंग पेस्ट के प्रॉपर आपको स्प्रे लेने चाहिए, जैसे वाइट फ्लाई है, माइट्स है, थ्रिप्स की, आपको प्रॉपर यदि स्प्रे लेते हैं तो फिर यह जो रोग है वो वहीं कंट्रोल हो जाएगा, रोकथाम हो जाएगी। तो इसीलिए ऐसी कोई भी दवाई नहीं है कि छोटी पत्ती रोग पर आपने स्प्रे कर दिया 100% रिजल्ट मिल गए, नहीं, बल्कि सफ़ेद मक्खी है, माइट्स है, थ्रिप्स है, एफिड जैसिड है, इनके आपको प्रॉपर स्प्रे लेने पड़ेंगे। जैसे एसिटाइम्प्रेड है, SLR-525 इंसेक्टिसाइड है, और थायमोथोक्सोम है, इमीडा क्लोरप्रेड है, नीम ऑयल है, फिश ऑयल है, इनका स्प्रे यदि आप लेंगे तो काफ़ी हद तक जो सफ़ेद मक्खी है, सकिंग पेस्ट हैं, कंट्रोल होंगे, तो छोटी पत्ती रोग भी कंट्रोल हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको बतलाया बैगन की उन्नत खेती। आपके मन में कोई सवाल हैं, सुझाव हैं, तो कमेंट सेक्शन में अपने सवाल या सुझाव लिख के भेज सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार कृषि कार्य से जुड़ी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।